वेलकम टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट, यू आर हार्टली वेलकम इन फ्यूचर क्लासेस प्रीतम नगर प्रयागराज। आई माई सेल्फ डॉक्टर संजीव तिवारी, आई विल इंट्रोड्यूस ए टू जेड केमिस्ट्री ऑफ क्लास इलेवंथ केमिस्ट्री, ए टू जेड केमिस्ट्री, एंड फर्स्ट चैप्टर बिलोंग्स टू सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास टेंथ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देर आर सम पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास टेंथ, दैट every substance is made up of atom. That is, atom is the smallest particle of universe. First postulate of Dalton's atomic theory is only this: every substance of universe is made up of atom, and this atom is smallest particle of universe. Second postulate of Dalton's, all atoms of any substance are identical in nature. And atoms of different substances are non-identical in nature. For example, you can say that All atoms of this markers are identical in nature. मतलब इस marker में जितने भी atoms हैं सब क्या हैं, एक जैसे हैं। Marker के सारे atom एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब they have same size and physical and chemical characteristics. But atoms of marker and atoms of duster are different. इसके एटम और डस्टर के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सेकंड पास्टुलेट ऑफ डाल्टन वाज ओनली दिस, दैट ऑल एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर आइडेंटिकल, किसी भी सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। बट एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर नॉन आइडेंटिकल इन नेचर। थर्ड पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, डाल्टन का थर्ड पास्टुलेट्स क्या था, थर्ड अकॉर्डिंग टू दिस पास्टुलेट, In any compound or in any substance, atoms are in their fixed ratio. कोई भी compound लीजिए, कोई भी substance लीजिए, उसमें जो atoms का composition होता है, सारे के सारे लोग कैसे बने होते हैं, atoms से मिलके बने होंगे, and the composition of atom will be fixed, whatever the source from which they derive. Means किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स का रेशियो होगा वो फिक्स होगा, आप उस कंपाउंड को चाहे जिस सोर्स से निकाल लें। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इन वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन वाटर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 बाई नंबर एंड 1:8 बाई मास। 2:1 बाई नंबर है एंड 1:8 बाई मास। 1:8 कैसे है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, H2 है तो 2:16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1:8 बाई मास। अब हम आपसे ये कहेंगे कि
इफ वी टेक द वाटर ऑफ एनी सोर्स दैट इज फ्रॉम गंगा रिवर, फ्रॉम यमुना रिवर, फ्रॉम गटर, मतलब कहीं का पानी लीजिए आप, गंगा का पानी लीजिए, यमुना का पानी लीजिए, गटर का पानी लीजिए, सब में अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आपको क्या मिलेगा, 2:1 मिलेगा, 1:8 मिलेगा। तो थर्ड पास्टुलेट्स में हम लोग यही लिख सकते हैं, थर्ड पास्टुलेट्स में कि इन द थर्ड पास्टुलेट इन एनी सब्सटेंस द रेशियो ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड व्हाट एवर द सोर्स फ्रॉम विच दे डिराइव। ठीक है, तो ये जो है थर्ड पास्टुलेट हुआ कि किसी भी सब्सटेंस में जो रेशियो होगा एलिमेंट का वो फिक्स होगा सोर्स आप चाहे जहां से डिराइव करें। तो दिस वाज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ये डाल्टन की पहली एटॉमिक थ्योरी थी। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स प्लीज लिसन इट क्लियरफुल्ली, ऑल द पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन हैज बीन डिस्कार्टेड। डाल्टन्स की ये जो तीनों थ्योरी हैं ये क्या हो चुकी हैं, डिस्कार्ड कर दी गई हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों इसको फिर पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बाद से ही न्यू एटॉमिक थ्योरी जो है इन्वेस्टिगेट हुई है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये थ्योरी डिस्कार्ड कैसे हुई। बच्चों आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट थ्योरी ऑफ डाल्टन वाज डिस्कार्डेड After the discovery of fundamental particle। डाल्टन की जो फर्स्ट थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब पहली थ्योरी तो ये कह रही है कि एटम से स्मॉलेस्ट कोई थिंग नहीं होगी, बट यू मस्ट हैव नो अबाउट द नेचर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच आर रिसाइड इन टू द एटम। एटम्स के अंदर हम आप देखते हैं कि क्या क्या रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से आप क्या रह गया, एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द एटम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइड्स इन टू द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसमें आप यही लिख सकते हैं कि द फर्स्ट थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि पहली थ्योरी हमारी फेल हो गई, डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई। सेकंड थ्योरी क्या है, ऑल एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन नेचर। दूसरा थ्योरी ये कहा जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी जो एटम्स होंगे सभी एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल नेचर के होंगे। तो आइडेंटिकल नेचर के अगर बच्चों होंगे तो मतलब कहने का कि आइडेंटिकल है तो सभी एटम एक जैसे होंगे। बट दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एलॉय। यू मस्ट हैव नो अबाउट द एलॉय। एलॉय के बारे में सबको पता होगा, एलॉय क्या होता है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल, दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर ही क्या होता है, एलॉय होता है। तो अब बेटा हम एक एलॉय आपसे बात करेंगे, दैट वन इज ब्रास। क्या होता है ये, ब्रास के बारे में सभी को पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। तो अब पीतल में क्या होता है, कॉपर सॉलिड एंड जिंक सॉलिड। बनता कैसे है ब्रास,
सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर सॉलिड विल बी मेल्टिफाइड, इसका मेल्टिंग कराएंगे तो इट विल चेंज इनटू कॉपर लिक्विड, एंड जिंक सॉलिड विल चेंज इनटू जिंक लिक्विड। जिंक सॉलिड किस में चेंज होगा? जिंक लिक्विड में चेंज होगा आफ्टर मिक्सिंग कॉपर सॉलिड कॉपर लिक्विड प्लस जिंक लिक्विड। कॉपर लिक्विड और जिंक लिक्विड को हम लोग मिक्स करेंगे, आफ्टर देन सॉलिडीफाई करेंगे। तो सॉलिडीफाई जब कर देंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? ब्रास बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ब्रास बोलेंगे। अब आप देखिए, इन ब्रास एटम्स ऑफ कॉपर एज वेल एज एटम्स ऑफ जिंक आर प्रेजेंट। द नेचर ऑफ कॉपर इज डिफरेंट एंड द नेचर ऑफ जिंक इज डिफरेंट। सब्सटेंस एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू दिस थ्योरी वाज आल्सो फेल कि एक ही सब्सटेंस में अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस ये थ्योरी भी बच्चों क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। तो सेकंड थ्योरी वाज फेल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एलॉय। इसको समझते चलेंगे कि डाल्टन की सारी थ्योरी फेल कैसे हुई है एग्जाम्पल के साथ। देन थर्ड थ्योरी की बात करते हैं। तीसरी थ्योरी ये कहा जा रहा है आपसे कि इन एनी सब्सटेंस द रेशियो ऑफ एलिमेंट इज फिक्स, मतलब कि एलिमेंट का रेशियो क्या होता है? फिक्स होता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। वी विल लर्न अबाउट द नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। व्हाट डू वी मीन बाय नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड? नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच एलिमेंट्स आर नॉट इन देयर फिक्स्ड रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड के डिस्कवर होने के बाद ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। नॉन स्टाइचियोमेट्रिक होता क्या है बेटा? देखिए, जैसे Fe2O3 एक कंपाउंड है, Fe2O3 सेकंड कंपाउंड, एग्जांपल बता रहे हैं हम आपको, FeO है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है NiO है, निकिल ऑक्साइड है। अगर हम इन सब की बात करें बच्चों तो इन दिस फर्स्ट कंपाउंड द रेशियो ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज 2:3 एंड इन दिस कंपाउंड रेशियो ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज 2:1 एंड इन दिस कंपाउंड द रेशियो ऑफ निकिल एंड ऑक्सीजन इज 1:1। दिस वन इज अ फिक्स रेशियो। दिस रेशियो मस्ट बी फिक्स, चाहे जिस सोर्स से हम इसको निकालें, आयरन ऑक्साइड को चाहे कोल माइनरी से निकालें, चाहे किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी से निकालें, तो आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होना चाहिए बच्चों वो 2:3 ही आना चाहिए। लेकिन व्हेन आयरन ऑक्साइड वाज माइंड फ्रॉम कोल माइंस, जब कोल माइन से इसको निकाला गया, कोल माइन से निकाला गया, इन दैट कंडीशन Fe 0.94 मिला। मतलब कहने का, आप कहेंगे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल,
0.94 एटम ऑफ आयरन, ये तो पॉसिबल है नहीं। आयरन का या तो एक एटम होगा या दो एटम होगा या उसके मल्टीपल में होगा, लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है Fe 0.94O। इसका मतलब ये है बच्चों कि दिस वन इज ओनली रेशियो। अगर हम आपसे ये कहें कि FeO के अंदर 100 एटम आयरन के हों, समझ इसको, 100 एटम आयरन के हुए और 100 एटम ऑक्सीजन के भी होने चाहिए। अगर 100 आयरन का एटम होगा तो 100 ही ऑक्सीजन का भी एटम होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ऑक्सीजन का एटम 100 था तो आयरन का कितना मिला, 94 मिला। मतलब कि अलग अलग सोर्स से जब हमने आयरन ऑक्साइड को निकाला तो ये रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट मतलब चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ऐसे कंपाउंड्स की भी डिस्कवरी हो चुकी है जिसमें रेशियो फिक्स नहीं रहता है। तो इसका मतलब थर्ड थ्योरी वाज आल्सो फेल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ऑल द पास्टुलेट विच वाज गिवन बाई डाल्टन हैज बीन वायलेटेड, सारे के सारे थ्योरी वायलेट कर दी गई हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टेक्निकल टर्म्स जिसके लिए आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूरी तरह से आप लोग को उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो उसको हम लोग जो है सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे देर आर सम टेक्निकल टर्म्स, उन टेक्निकल टर्म्स का नाम सभी लोगों को पता होगा, ये हमें पता है, एटॉमिक मास सब लोग जानते होंगे क्या है एटॉमिक मास, नाम तो सभी ने सुना होगा, मास नंबर, थर्ड वन इज मोलर मास एंड फोर्थ वन इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, देयर दीज आर द फोर टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एटॉमिक मास, मास नंबर, मोलर मास, एटॉमिक नंबर। जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग इन चारों टर्म्स के बारे में सुने होंगे इन क्लास 9th और 10th। लेकिन अब इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम पूछेंगे आपसे एटॉमिक मास तो आप बताओगे मास नंबर, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। तो एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे तो नाम से ही क्लियर है यार, व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता था। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब बेटा किसी एक को स्टैंडर्ड मान लेते थे। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब कार्बन 12 से ही सारे एटम्स को क्या कराया गया, कंपेयर करा दिया गया कि हाउ मच टाइम्स एनी एलिमेंट इज हैवियर आर लाइटर देन दैट ऑफ कार्बन। तो मतलब कार्बन से कोई एटम कितने टाइम्स हैवी है या कितने टाइम्स लाइटर है, दैट वन इज इट्स एटॉमिक मास। तो वो कौन सा एटॉमिक मास था, दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास। वो कौन सा एटॉमिक मास था, रिलेटिव एटॉमिक मास था। अब लेकिन उस समय तक तो नहीं पता था ना लोगों को एक्चुअल एटॉमिक मास। बाद में जब सारी डिस्कवरी हो गई तो फिर एटॉमिक मास की एब्सोल्यूट वैल्यू लोगों को जानने को मिला। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक मास, तो हम एक लाइन में क्या बताएंगे, इट इज मास ऑफ एनी सिंगल एटम। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक मास, तो आपको कुछ नहीं कहना है, बस आपको इतना कहना है इट इज मास ऑफ एनी सिंगल एटम। किसी भी सिंगल एटम का जो मास होगा वही क्या है, एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी एटम का एटॉमिक मास। एज यू ऑलरेडी नो दैट इन द एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस इज सॉलिड कोर पार्ट ऑफ द एटम। ऑल द मास ऑफ एटम, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन टू द न्यूक्लियस। एटम का सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में।
न्यूक्लियस में। एक एग्जांपल मैं ले लूँ इन केस ऑफ नाइट्रोजन, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, इन नाइट्रोजन देयर आर 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन एंड एज वेल एज 7 इलेक्ट्रॉन। दीज 7 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, 5 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इफ वी कैलकुलेट द मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम लोग किसी तरह से न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर लें, अगर हम लोग न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर लें, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। अब न्यूक्लियस का मास बेटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर हमें मिल जाए तो इस न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, और अगर इस न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा तो इस पूरे एटम का मास मिल जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास तो आपने जो है कंसिडर किया नहीं, बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो लाइटर दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हमें देखना है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 केजी, या 10 का पावर माइनस 27 केजी है ना यार, इसको ग्राम में मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होता है, 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। इट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन। एंड मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इक्वल टू, दीज आर फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज नियर अबाउट इक्वल टू दिस वन, दिस सिंबल इज ऑफ नियर अबाउट, इज नियर अबाउट इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। आर यू श्योर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज नियर अबाउट इक्वल टू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखिएगा, इफ वी सम अप द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इफ वी सम अप द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, 14 पार्टिकल्स आर देयर। अब दिस नंबर 14 इज मल्टीप्लाइड विद 1.67 इंटू 10 का। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना हुआ, 7 + 7 कितना हो गया, 14 में मल्टीप्लाई करिए कितने से, 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम से, यही आपके नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया। अब देखिए, किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू सम अप द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखिए, बार बार 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इसको एक यूनिट मान लें, 14 के बाद यहाँ डाल दें AMU। AMU इज व्हाट, शॉर्ट फॉर्म है किसका, एटॉमिक मास यूनिट। थोड़ा बहुत समझ में आया कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर हमें निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे और उसके आगे AMU लिख लेंगे। AMU इंडिकेट्स दैट दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी का भी एटॉमिक मास पूछा जाएगा, हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें AMU लगा देंगे।
ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। एटॉमिक मास पूछा जाता है, मास नंबर बताते हो, मास नंबर पूछते हैं, मोलर मास बताते हो, तो सबकी मीनिंग अलग अलग है, सबको हम लोग अलग अलग समझते हैं। तो एटॉमिक मास हम लोग के समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे टर्म्स की बात करेंगे, मास नंबर। सेकंड वन इज मास नंबर। क्या होता है मास नंबर, इसको भी समझते हैं। मास नंबर, ये भी नाम से क्लियर है यार, मास नंबर इट इज नथिंग, ये एक नंबर है। मास नंबर क्या है, ये एक नंबर है। इट इज द सम ऑफ, कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मास नंबर, क्या आप लोग बताएंगे, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को क्या करना है, सम कर देना है, और कोई यूनिट नहीं लगाना है। जैसे कोई पूछा व्हाट इज मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास नंबर पूछेंगे, क्या बताएंगे, मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन कोई पूछ रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे, 7+7 खाली जोड़ देंगे, कितना बताएंगे, सिर्फ 14 बताएंगे। मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 14 होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, गलतियां क्या करते हो, आप या तो 14 AMU बता दोगे या 14 ग्राम बता दोगे, जो कि गलत है। मास नंबर इज ओनली ए नंबर विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इतना सबका क्लियर। थर्ड बात करते हैं हम लोग, मोलर मास। अब देखिए भाई, व्हाट डू वी मीन बाय मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास का मतलब, ये भी नाम से क्लियर है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, किसी भी टर्म की डेफिनेशन उसके नाम में ही छिपी होती है। मोलर मास कोई कह रहा है, कुछ नहीं आपको बोलना है, आपको खाली इतना बोलना है इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम। अगर मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। अगर कोई आयन कह रहा है इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल आयंस। अब देखिए, मोलर मास तो हम लोग क्लियर हो गए कि इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। आप लोग इतना ये भी जान गए होंगे, क्लास 10th में आपको बताया गया होगा, अगर नहीं भी बताया गया है तो हम आपको बता रहे हैं, लिसन इट केयरफुली। अभी आप 10th क्लास से 11th में आए हैं तो थोड़ा सा देखिएगा इसको। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल। दिस वन इज एवोगैड्रो नंबर आल्सो। इसको एवोगैड्रो नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल। अब पार्टिकल में बेटा कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, व्हाट एवर दीज में। अब समझिएगा कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इट इक्वल टू 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल। यू कैन सी दैट दिस इज वेरी लार्ज नंबर, दिस इज वेरी ह्यूज नंबर, ये बहुत ह्यूज नंबर है, और इसका यूज हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री में ही करते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि गो टू मार्केट एंड ब्रिंग 1 मोल ऑफ पोटैटो, 1 मोल पोटैटो कोई कह दिया कि 1 मोल पोटैटो जाके ले आओ, तो 1 मोल पोटैटो कितना पोटैटो हो गया बच्चों, 6.02 इंटू 10^23 पोटैटो, इतना पोटैटो पूरे मार्केट में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मोल वर्ड इज नॉट यूज्ड इन ऑर्डिनरी सेंस, मोल वर्ड को ऑर्डिनरी सेंस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोल वर्ड को सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री में ही यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है
वन मोल रुपी, एक मोल रुपया का मतलब कितना रुपया हो गया भाई, 6.02 × 10³³ रुपी। ठीक है, अब अगर इतने रुपए की बात आपसे की जाए तो इतना रुपया मतलब हो गया कितना पता है? एक क्वेश्चन था यहाँ कंपटीशन का है कि एक मोल रुपया अगर किसी के पास है तो वो कितने दिन में खर्च हो जाएगा। तो हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपया पर सेकंड अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे जिंदगी आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा बताने का सिर्फ सेंस ये है कि मोल वर्ड कैन नॉट बी यूज इन ऑर्डिनरी सेंस, इट विल बी यूज ओनली इन केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री में क्यों करते हैं भाई, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं कि सच पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई आवर नेकेड आइज। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक छोटा सा डार्ट मैंने यहाँ बना दिया, इस छोटे से डार्ट में देयर मे बी मैनी बिलियंस ऑफ एटम, करोड़ों अरबों एटम्स हो सकते हैं। अगर इनको हम नंबर से काउंट करना चाहें, इतने एटम्स हो जाएंगे कि इसको नंबर से काउंट करना चाहें तो ये बहुत इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि द साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, 10⁻¹ सेंटीमीटर, इतना छोटा एटम होता है, इसको हम लोग आँख से भी नहीं देख पाते हैं। तो इस छोटे से डार्ट में कई करोड़, कई अरब, कई खरब एटम हो सकते हैं। तो उनको अगर नॉर्मल नंबर से हमें काउंट करना हो तो वी कैन नॉट काउंट, इसलिए हम इतनी बड़ी नंबर का यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग सच टाइप ऑफ पार्टिकल। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा हम लोग का। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वन मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स का मतलब सबके समझ में आ गया कि 6.02 × 10³³ पार्टिकल। अब टर्म जो था हमारा वो ये था बच्चों, मोलर मास। मोलर मास का मतलब एक मोल एटम का मास। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमने आपको इसके पहले बताया, थोड़ी देर पहले, कि द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU, मीन्स नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास आता है वो कितना आता है, 14 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, यानी एक एटम का मास आपको मिल गया है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये एक एटम का मास बच्चों आ गया, लेकिन हमें एक एटम का मास तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए बच्चों, मोलर मास चाहिए, मतलब एक मोल एटम का मास चाहिए। एक मोल एटम का मास मतलब इतने एटम का मास चाहिए, 6.02 × 10³³ एटम का मास चाहिए। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास। कुछ नहीं करना है, एक एटम का मास आपको पता चल गया है, इतने एटम का मास निकालना है। करना क्या है, दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर। ठीक है, तो हो जाएगा 14 × 1.67 × 10⁻²⁴ × 6.02 × 10⁻²³। सबको क्लियर हो रहा होगा, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खाली यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो गया बच्चों, 14 × 1.67 × 10⁻²⁴, ये एक एटम का हो गया, और इतने एटम का चाहिए तो इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या होगा, दिस नंबर 6.02 एंड दिस वन इज 1.67, जरा इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए बेटा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 10.045, कितना आएगा 10.045, उसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, × 10⁻²⁴ है बच्चों ये, और ये 10⁻²³ है, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 10⁻²⁴ और 10⁻²³ दोनों जुड़ेंगे तो कितना जाएगा, 10⁻⁰, इतना क्या आ रहा है, ग्राम में आ रहा है सब।
ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब 14 इंटू 10 इन 14 इंटू 10 इंटू 1/10 ग्राम, 10 10 से क्या हुआ कैंसिल हो गया, ये आया कितना 14 ग्राम है। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है, एकदम जादू है, मैजिक है ये। 6.02 में 1.67 से मल्टीप्लाई किया आपने तो बेटा आया 10.045, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो 10 आ गया, 10^-24 इंटू 10^23 तो कितना आ गया 10^-1। 10^-1 को क्या लिख सकते हो 1/10, 10 से कैंसिल हो गया, कितना आया 14 ग्राम आया। मतलब एकदम जादू तैयार हो गया ना बेटा। अगर कोई मोलर मास आपसे पूछा नाइट्रोजन का तो आपको क्या करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है, उसी के आगे ग्राम लगा देना। इसी तरह से किसी का भी मोलर मास आपको आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ो उसी के आगे ग्राम लगा दो, वो क्या हो गया मोलर मास हो गया। इज इट क्लियर। अब अगर हम थोड़ा सा अब लास्ट वाला एक और बात किए थे हम आपसे, एटॉमिक नंबर, क्या बात किए थे बच्चों एटॉमिक नंबर, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता होगा। एटॉमिक नंबर इट इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की जो नंबर है दैट वन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब पूरा समअप करते हैं, समरी एक बना देते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो फॉर नाइट्रोजन अगर बात किया जाए, फॉर नाइट्रोजन जितने भी टर्म्स हमने बताए हैं, फॉर नाइट्रोजन जितने भी टर्म हम सबने बताए हैं सबका अलग अलग चीज़, अगर हमसे कोई पूछ रहा है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और उसका मास नंबर, उसका मोलर मास एज वेल एज एटॉमिक नंबर, तो ये नाइट्रोजन ही नहीं किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो हम तो एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको फॉर नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन के लिए कोई हमसे पूछता है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बच्चों क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट वन इज 14 AMU, जैसा कि हमने बताया था 14 मल्टीप्लाइड विद 1.67 इंटू 10^-27 kg। अब आप हमको बताओ, कोई कहता है मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर क्या होगा यार 14, मोलर मास, मोलर मास ये कितना होगा बच्चों 14 ग्राम, मोलर मास कितना होगा 14 ग्राम। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया आपसे, एटॉमिक नंबर दिस वन इज 7, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो ये चारों चीज़ें हमने आपको बता दिया, अब चारों का अलग अलग मतलब है, इसको बताने का हमारा सिर्फ रीजन इतना है कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो, हम अगर आपसे पूछते हैं कभी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास तो आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलते हो 14 ग्राम, जो कि गलत है। एटॉमिक मास अगर पूछा जाएगा तो AMU लगाना, AMU मतलब समझ चुके हो आप, मास नंबर की कोई यूनिट नहीं, मोलर मास 14 लिखिए, ग्राम लगा दीजिए, मोलर मास मिल गया। एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट रहेंगे वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट आपका ख़त्म हुआ जिसमें कि कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीखा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें आप लोग क्लियर करेंगे, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अवश्य देखिएगा। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।